जल चर थल चर और रजनी चर नभ चर सब सर माए माँ का जब रूप सजाए माँ का जब रूप सजाए कोति कामरत की छवि धूमिल कोति कामरत की छवि धूमिल और नर की नर लल चाए माँ का जब रूप सजाए माँ का जब रूप सजाए क्या बात बेटा क्या बात है। और हमने एक विशेषता और बताई थी करू में कमंडल प्रातः कालीन वेला होती महंस पे सवार है माँ सवार है वो अम्बुज से अरुणारे अधर्मा क्या बात है अम्बुज से अरुणारे अधर्मा ओ मंद मंद मुस्काए माँ का जब रूप सजा ये बताओ महोती हंस पे सवार हैं वो हाथ में कमंडल पुस्तक लिए धार हैं वो अंबुज से अरुणारे अधर्मा मंद मंद मुस्कुराए फसे फसे बेटा लेखपाल जिस माँ का होठ गुलाब के समान है अर्थात कमल के पुष्प के समान है उन माँ कुछ कहो ना बेटा बस मेजे इज्जत बचाए अरे ये सब गिराए के टट्टू है बेटा अरे जवाब में क्या ला रहे हैं जरा इनके जवाब को सुन लीजिएगा सुनाओ देखो इदरीस को देखो कैसे देख रहा है देखो इधर बता रहे हैं कि चेहरे मुस्कुराहट देखो एक बात आपने बताया माँ ने जब रूप सजाया अच्छा ये बताओ बड़े भैया कि माँ ने रूप सजाया माँ रूप अपना नहीं सजा रही अच्छा ये बताओ जिसने लिखा उसको खड़ा करो पहले खड़ा करो माँ अपना रूप सजा नहीं रही है इसी चौराहे पे इनका फोटो खींचेंगे आज हम बेटा बड़े भैया माँ अपना रूप सजा नहीं रही है माँ का जब रूप सजाई माँ का जब रूप सजाए अर्थात भक्त जब माँ का श्रृंगार करे और रूप सजाए और क्या आप अपनी पंक्तियों में बता रहे हैं माँ का जब रूप सजाए माँ भी रूप सजाती है और एक बात आपने और बताया और बता बेटा बता कि अस्त्र शस्त्र देवों से पाया ये तो बात सही है कि माँ ने अस्त्र शस्त्र देवों से पाए लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है क्या आपने कहा कि नागमणि शिव से पाए अच्छा ये बताओ किस किस पुराण में लिखा है बताओ बेटा बताओ जनता बड़े सभी श्रेष्ठ लोग बैठे हैं नाग नागमणि शिव के पास है कि नाग के पास है नागमणि बेटा शिव जी के पास है साफ से काम चलाते बिटिया बहुत जिद्दी है नागमणि अरे दादाजी नागमणि शेष के पास है शिव के पास नहीं है अरे थक तोरी छुट्टा मंडल की बता रहे हैं कि नागमणि शिव के पास है जबरदस्ती का मट्ठा है बेटा अरे मणि तो शेष नाग के पास है शिव के पास नहीं है चलो बेटा छोड़ो छोड़ो बेटा छोड़ो इनको गंगा मैया जाने छोड़ो अरे बड़े भैया आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा कुछ अरे ना कुछ ना कहो बेटा
बलिया की तरफ से बहुत ही सुंदर सा गीत आया है, सुनिएगा। कहना है क्या बेटे? रंगों की बरखा है, कह रहा है क्या? क्या कंपित तेरी लो अरे माननीय सम्मानीय बड़े बहन नेहा मिश्रा गोपना घाट की तरफ से ये 21 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बड़े बहन बड़ी बहन से आशीर्वाद। हाँ ये बेटा सब मेहनत पर है। और ये बड़े भैया ज्ञानेंद्र नाथ दीक्षित मानिकपुर इनकी तरफ से 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बड़े भैया से आशीर्वाद की आकांक्षा। और ये बड़े भैया सुरेश तिवारी कैसेट एंड जनरल स्टोर इंद्रपाल स्कूल के पास अश्विनी फतेहपुर इनकी तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। भैया जिसे आशीर्वाद किया का अच्छा क्या बात है बेटे क्या बात है कहना है कंपित तेरे लोक जब वो कृपाली कपाली बन गई और एक बात बताया कि माँ की लीला है माँ की लीला है अजब निराली कृपाली बन गई काले कपाले बन गए काले कपाले बन गए काले कपाले बन गई लेकिन कलाकार बहुत होशियार होते हैं कुछ ना कुछ विशेषता अपने गीतों में लगाते हैं लेकिन बताते नहीं है हाँ, नहीं बताएंगे बेटा वो आदरणीय दादा जी आपने अपने गीत में काखा गाघा अंगा लगाया लेकिन बताया नहीं हाँ। इस राज को छुपाए रखा आपने यह दिमाग बेटा और आपने कहा कि सैल पुत्री माँ सैल पुत्री माँ हुई बिकराली पाली बन गई काली ये, ये, ये।, ये आपका गीत लेकिन आदरणीय दादा जी
आइए, प्रयास कर रही हूँ। आपने बताया कि कपाली बन गई काली, उमा की लीला है अजब निराली, कृपाली बन गई काली। लेकिन आदरणीय दादा जी, गीत को वहीं से सुनिएगा। कहना है जब माता काली ने कौशिकी का रूप धारण किया, बड़े भैया माता ने जब कौशिकी का रूप धारण किया तो गीत वहीं से स्टार्ट हो रहा है। कहना है जैसे तमो में है ओ, जब काली हो गई गोरी। उधर आपने बताया कृपाली बन गई काली, लेकिन मैं इधर कह रही हूँ कि जो काली तो हो गई गोरी। जब माता संहार कर चुकी तब काली से गोरी हो रही है। फैली जन जन के मन खुशहाली, जो काली हो गई, जो काली बन गए गोरी, जो काली बन गई गोरी। ये जैसे तमो में है फैली उजियाली, जो काली हो गई गोरी। और कहना है और ये बड़े भैया अनुज कुमार तिवारी, ग्राम असमी, जिला फतेहपुर, इनकी तरफ से 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बड़े भैया से आशीर्वाद किया का अच्छा। लेकिन दत्ता जी कहना है और ये मान्य सम्मानी बड़े दादा जो कि बहुत ही अच्छे कीर्तन कलाकार हैं इस रायबरेली जनपद के, बड़े दादाजी की ओर से शिव मोहन सिंह बघेल, मोहन चंचल जी कीर्तनकार जो हैं, वो भी पचखरा निवासी हैं, इनकी तरफ से 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। दादाजी से हम बच्चों के लिए ये 51 पद मुद्राओं का नहीं आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की आकांक्षा बेटा, ये सब जवाब पर है बेटा। और कहना है क्या, कृपा की अपार करके शिवा तिवारी, सिया तिवारी, इनकी तरफ से जो कि फतेहपुर निवासी हैं, इनकी तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बड़े भैया से आशीर्वाद की आकांक्षा, कृपा की कोर करके, कृपा कोर करके काटा कष्ट करारा है, ओ खलो को खला मैया ने बही रक्त धारा है, ए, बड़ी रक्त धारा है, बड़ी रक्त धारा है, बड़ी रक्त धारा है। और ये मान्य सम्मानी बड़े भैया ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह,
भाजपा सेक्टर प्रभारी गोकना जमुनापुर गोविंद मिश्रा बूथ अध्यक्ष गोकना निवासी हैं, इनकी तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। दादाजी से आशीर्वाद की आकांक्षा। याले बेटा ये लोग बोलो बेटा 121 रुपया। अरे मान्य सम्मानी बड़े दादा नागेंद्र द्विवेदी की तरफ से ये 120 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। और ये 20 पद मुद्राएं बड़े भैया जी के लिए जो नाल पर संगत कर रहे हैं। चलो बेटा चलो। अरे बड़े भैया आपने अपनी गीत में काखा गाघा अंगा लगाया था तो मैं भी अपनी गीत में का से शुरू कर रही हूँ। यही तो जवाब है बेटा। अरे नेहा मिश्रा गोविंद मिश्रा गोकना घाट इनकी तरफ से 50 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। आशीर्वाद किया अच्छा और कहना है कृपा कर करके काटा पहली पंक्ति में का दूसरी पंक्ति में खा और तीसरी पंक्ति में का। गगन और वसुधा का रोचक नजारा है, घर घर में ज्योति जली फैली उजियारा है। ला 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 ला। और बड़े भैया वही सैल पुत्री यहाँ देखिए कौन बताइए सैल पुत्री के गोरी बन गई। सुनो बलराम बेटा सुनो। और आदड़ी दादाजी अब जा और जा और जा जा सुनिए चालक चंचल चतुर सीता ने रावण के 100 सर वालों को देखा अर्थात रावण को जब देखा तो हुआ क्या क्या बेटे चालाक चंचल चतुर असुर अत्याचारी है। रावण को कहने लगी कि असुर अत्याचारी है। क्या बात है चालाक चंचल चतुर असुर अत्याचारी है। सनमुख दासताई न्यारी है। क्या बात है क्या बात है। जय जयकार होने लगा जय जयकार होने लगा खुश नर
बदला कैसे चमत्कारी है। ला 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 ला। और ये नेहा संत गोविंद मिश्रा बीजेपी नेता, इनकी तरफ से ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। और ये दीपा तिवारी असली फतेहपुर निवासी है, इनकी तरफ से ये 20 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। दोनों लोगों से आशीर्वाद की कामना और कहना है, झटपट से वेश बदला कैसे चमत्कारी है। तो कहना है क्या, क्या? भूमि पुत्र सम्मानी बड़े भैया सुरेश तिवारी असली फतेहपुर घर मालिक की तरफ से ये 50 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। 500 ये घर मालिक के सहयोग की तरफ से 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बड़े भैया से आशीर्वाद की आकांक्षा माता रानी सदैव। ये जवाब है बेटा, माता रानी सदैव इनका घर भंडार भरती रही। लेकिन बड़े भैया जब उसी वक्त माता सीता प्रभु श्री राम से मिलती है तो वहीं पर काली से गोरी हो रही है। और कहना है क्या कि भूमि पुत्री बनी भव्य काली कृपाली बन गई। भूमि पुत्री भवानी भव काली बन गई हो क्या बात।